सुपर कार राइड पे जाने वाले हैं, जहाँ पे टर्बो है और फरारी, लैम्बोर्गिनी, हुरकान, ईगो, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। कभी तुमसे कोई पूछे तुम्हें जी वैगन अंदर से किसने दिखाई? तो गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का शुभिश ब्लॉग के एकदम ब्रांड न्यू ब्लॉग में। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, अरे भाई आप तो घर पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, बट दिक्कत एक हो गई थी मेरे से, गलती से मैं भी एडिट करने बैठा था तो इंट्रो की फाइल जो थी वो गायब हो गई थी, तो इसलिए मैंने इंट्रो दोबारा से शूट करा है। अभी हम लोग एक्चुअली अंशु वर्ष की एक वीडियो के बारे में ही सोच रहे थे, ठीक है, तो वो तुम लोग आगे जाके पता चलेगा। बट आज हम लोग जा रहे हैं भाई डिटेलिंग बुल्स से अपनी गाड़ी लेने के लिए वापस। लेट्स सी गाड़ी में कैसा काम हुआ है, ऐसे मैं देख चुका हूँ, गाड़ी घर में खड़ी भी हो चुकी है, बट तुम लोग देखो बहुत ज्यादा फन है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड आई एम सॉरी यार थोड़ा सा वो इंट्रो खराब हो गया, तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नहीं सब्सक्राइब कर दो, और बाकी चलो दिल्ली। तो गाइस यार डीजल डल चुका है, अब चलो प्रभु जी का नाम लो सारे, जय हो, और सीधे चलो भाई, सीधे चलते हैं अब जाके गाड़ी उठाते हैं। भाई 3 दिन मैंने कैसे काटे मैं जानता हूँ, खैर काम था तो काम में ना ध्यान नहीं आता इतना, बट भाई मुझे रातों को सपने आ रहे थे गाड़ी के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, भाई, भाई तो बता सीधे नहीं, थोड़ा सा मोड़ मोड़ काट के देंगे, मतलब समझ सकते, सीधे चलो थोड़ा मोड़ मोड़ आएंगे। सॉरी भाई तुम यार OTP लिखो और सीधे चलो। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डिटेलिंग बुल पे, और ओ ओ ओ तैयार है सब कुछ वीर भैया, मस्त एकदम भाई साहब, बिल्कुल सामने खड़ी है, देख रहे हो तुम लोग, ओ माय गॉड भाई, ये इसको मैं 3 दिन बाद देख रहा हूँ, और आई होप भाई मतलब डिटेलिंग बुल वाले तगड़ा काम कराओ पक्का ना भैया। भैया नर्वस हो गए, नर्वस, रेडी हो, तैयार है, तूने पहले तो नहीं देखी ना मेरे से भाई, ये दिल्ली था, ये रही हमारी कर्री करैरी, मतलब द 911, तैयार एकदम भाई, ये यार ये तो आपने कसम से सच्ची बता रहा हूँ, जो मेरी मेरी वाली थी ना जिसमें रिवीलिंग था, मेरे को ऐसे ही कपड़ा चाहिए था बट कपड़ा नहीं पा रहा था, बट ये भाई यार इसको इतने दिन बाद देख रहा हूँ, कपड़े के अंदर क्या बीस्ट लग रही है ये गाड़ी, ये मेरी वाली है ना पक्का, अब इनने अंदर क्या काम कर रखा है वो देखते हैं, लिटरली बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी लग रही है, तो फिर मैं देख रहा हूँ इसको 4-5 दिन बाद तब, वरना तो रोज सुबह इसी में आया था मैं। इट इज टाइम, वेद भाई भी आ चुके हैं, अब देखो हमने आज करके करा हुआ है ये चीज, है ना, सब लाल पहन के आए हुए फुल फन, अब देखते हैं कि डिटेलिंग बुल पे काम कैसा हुआ है, तो चलो खोलते हैं कपड़े को। गाइस गाड़ी तो एकदम नई, एक्चुअली झूठ नहीं बोलूंगा जैसी मैंने पहली बार देखी थी उससे भी अच्छी लग रही है, जस्ट बिकॉज ऐसा चमक रही है पूरी की पूरी, अब वो पता नहीं मेरे को, वो हो सकता है कि भैया के शोरूम में लाइट वाइट बहुत तगड़ी है इसकी वजह से भी हो सकता है बट सही में बहुत ज़्यादा, जैसे मैं छोड़ के भी गया था अगर तुम लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तब भी ये इतनी नहीं चमक रही जितनी चमक रही, अब देखो तुम जैसे हल्के फुल्के ये सब चीज़ें दिख रही होंगी ना तुम्हें, ये हल्का सा, तो ये विद टाइम, मतलब विद टाइम भी क्या 2-3 दिन में ही ऐसे सन पे रख के धूप पे रख के ये पानी हो गया इसके अंदर, अब वो कह रहे थे मेरे से कि 1-2 दिन 4-5 दिन छोड़ो, बट जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन होती है पानी से फिल्म लगती है, हाँ तो इसको ड्राई होने में तकरीबन आराम से उसको भी ठंडा टाइम में 10-15 दिन लगते हैं, हाँ धूप में रखना पड़ता है रोज, रोज मतलब आप चलाओगे तो गर्म वैसे हो जाएगी, अच्छा हाँ गर्म होगी गाड़ी तो हो जाएगा, 15 दिन बाद जब आप मेरे पास लेके आओगे ना, हाँ मेरा काम यही है कि ये कुछ इश्यूज रह जाएंगे तो रिजॉल्व, अच्छा ओके ओके, तो मैं 15 दिन बाद दोबारा लेके आऊंगा, और अगर कुछ भी कहीं पे भी दिखता है तो वो चीज दोबारा सही हो जाएगी, डन डन डन, गाड़ी तो नेक्स्ट लेवल लग रही है यार अच्छा ओके, एक और चीज़ जो मैंने करवाई थी, जो मैंने बताया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तो तुम लोग खुद देखो और अभी गैस करो कमेंट सेक्शन में कि क्या है, ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो PPF नहीं, PPF को छोड़ के कुछ और गैस करो कि ऐसा क्या है जो इसमें डिफरेंट है जो गाड़ी में पहले नहीं था, अब देखो चिटिंग मत करना ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये इसके जो हेडलैम्प्स हैं इस पर मैंने एक हल्की सी फिल्म चढ़ाई हुई है जो कि ब्लैक है, मतलब थोड़ी सी वो कर रही है क्या बोलते हैं उसको टिंट, हाँ हाँ स्मोकी स्मोकी कर दिया थोड़े से हेडलैम्प्स,
थोड़े ज्यादा कूल लगते हैं और दिखने की तो भाई साहब उसकी वजह से कितनी, मैं थोड़ा सा था हाँ क्वेश्चन में था कि अगर ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने इनसे बोला था कि देख लो आप करना नहीं करना करके, नहीं अच्छा लग रहा है तभी तो कह रहा मैं कि रेड के साथ ना थोड़ा ब्लैकिश, हाँ क्योंकि वो पूरा वैसी है ना ऊपर से कि ऐसा ऊपर सनरूफ ब्लैक है फिर ऐसे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके साथ भाई। ये हल्का सा टिंट आ रहा है जो हल्के स्मोकीनेस आ रही है ना इनमें, बहुत क्रेजी भाई, मेरे को तो मजा आ गया भाई। काम तो है डिटेलिंग मुल्का भाई, मानना पड़ेगा यार। मैं सच्ची में थोड़ा सा उसमें था क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, लास्ट टाइम मैंने कहीं से करवाई थी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट ये बहुत मस्त लग रहा है भाई। बाकी एक बार हम लोग दोबारा से 15 दिन में लेके आएंगे, अगर कुछ भी होता है, जो कि अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट अगर कुछ भी होता है तो वो हम लोग देख लेंगे। बट ये क्या लग रही है भाई, 3 दिन नहीं देखी ना मैंने, अब देख के जो मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता तुम्हें यार। तो गाइस ये देखो क्या क्लीन करके दी अंदर से भाई, मज़ा आ गया। और चलते आ जाओ भाई गाड़ी के अंदर, लेट सी। अच्छा चाबी कहाँ है? चाबी नहीं ली मैंने, थैंक यू। करते हैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट। मस्त भाई, जब स्टार्ट होके रोर करती है ना भाई, तब आता है मजा, क्रेजी थिंग भाई। और एकदम क्लीन बढ़िया करके दिए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वैसे मानना तो पड़ेगा भाई, सब कुछ एकदम टिंच करके दिया हुआ है, टायर से लेके सब कुछ एकदम, क्या लग रही है भाई ये गाड़ी, मजाक से हट गई। और अब वो थोड़ा सा टेंशन भी हट गया ना कि कुछ ऐसा पत्थर वत्थर लग जाए, छोटे मोटे स्क्रैचेस लग जाए वो सब, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये विद टाइम ऐसे ये है ये हील हो जाएंगी विद टाइम। मतलब हील क्या हो जाएंगी, बेसिकली इसके अंदर का पानी एक बार उड़ गया फिर ये सही हो जाएगा एकदम। और पीछे एक जी वैगन अलग से खड़ी है वो देख लो ये, और अंदर वहाँ पर एक क्या कहते हैं अपना रेंज रोवर अलग से हो रही है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया है। अरे सर आपकी चाबी वहीं अंदर ही गाड़ी में, हाँ ओके ओके। अरे तो गाड़ी नहीं कितने चोर साले भाई, लव सेकंड टाइम हो गया दोस्तों, लव टाइम्स टू भाई। मेरे से भी तो हुआ था, हैं मेरे से भी तो हुआ था यार। इसका मुंह देखो एक बार यार, मुंह देखो यार, पॉपी 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 कुत्ते के साथ करते हैं। मैं तुझे बता दूंगा ओए। गाइस अपनी गाड़ी तो मस्त हुई है, बट उसके साथ साथ मुझे पता है बहुत सारे लोगों की आंख में दिखी होगी वो जी वैगन, क्या क्रेजी लग रही है भाई। इस पे ये अभी काम करवा रहे हो आप या फिर हो चुका है? अभी हो रहा है ना इस पे धीरे धीरे भाई। बट ये क्या लग रही है भाई, जी वैगन तो जी वैगन ही है यार, गैंगस्टर बिल्कुल एकदम। आओ चेक करते हैं भाई साहब। अच्छा ओके ओके, हाँ बैठ, इसमें ये वाला होता ना, हाँ भाई साहब वो ये तो नई वाली है। भाई साहब ओके ब्रो बाय बाय। गाइस तो मैं यहाँ पर 911 कर रहा है देखे, वो गाड़ी देखे, यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ जी है। काम करे सुनो एक काम करे, हाँ टोचन डाल के इसको भी लेते हैं, इस पे स्किन चढ़ाते थे इसको भाई। जिनकी गाड़ी ये होने आई है अगर वो ये व्लॉग देख रहे होंगे फिर मारेंगे, फिर दोनों मार खाएंगे। अच्छा नहीं है ना, अच्छा अभी गाड़ी में नंबर नहीं है, अच्छा ओके हाँ सब में डिटेलिंग बुल लिखा हुआ है। हाँ भाई साहब एक बार इसको ऑन करें क्या, अच्छा ओके हाँ ये तो वो है यार AMG है भाई साहब, ऐसा साउंड करता है गाइस V8, वाह भाई भाई लग्जरी तो देता है यार मर्सिडीज, मजा आता है यार। क्या कहते हो दोस्तों ले जाए क्या? लेकिन यार फिर कर्री करा रही तो कर्री करा रही है भाई, क्या लगती है। बट ये देखो भाई, तुम जिसने भी जी वैगन नहीं देखी थी उसे जी वैगन दिखाने का काम करा है मैंने, याद रखना दोस्तों। कभी तुमसे कोई पूछे तुम्हें जी वैगन अंदर से किसने दिखाई तुम्हें पता है किसका नाम लेना है भाई। बट ये क्या लग रही है यार बताओ, ऑफ रोडिंग भाई साहब, ये देखो यार तुम क्या मस्त, क्या रेंज दी भाई। ये देख डिफरेंशियल भी चेंज करने का है, तुम कैसे कैसे चाहिए तुम्हें, समझ रहे हैं? 4 मतलब 4 वो
समझ रहे हैं तू यार, ऑल व्हील ड्राइव वो सब। भाई साहब क्या लगती है यार जी वैगन, मतलब गाड़ी है यार। ओ भाई साहब दिखाइए, बाहर से दिखाना है एक बार, लेना रेस देना। ओ भाई 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 गुस्सा गाड़ी है मैं बता रहा हूँ। और ये तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल में चल रही है अभी, ये आवाज इसकी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कैसे नॉर्मल होगी ना, इसमें भी तो मोड वोड होंगे। भाई बट बहुत क्रेजी गाड़ी है ना, डायनेमिक। हाँ ये देखा भाई, ये तो पटाखे मार रही है भाई, बहुत खतरनाक गाड़ी है भाई। आपकी ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जी आपकी ज्यादा अच्छी है। नहीं भाई ये यार कैसी बात कर रहे हो यार आप। भाई V8 बाई टर्बो, मतलब ट्विन टर्बो भाई, बहुत क्रेजी गाड़ी है ये। लीजिए थैंक यू भैया। भाई बहुत बहुत मस्त गाड़ी है भाई, मतलब मैं तो कह रहा इसमें लेकिन कौन बंदा सही लगेगा पता है तुम्हें? इसमें एक बंदा है जिसमें बहुत मस्त लगेगा। अरे बिल तो बात है यार, कब दिला रहे हो? हैं कब दिला रहे हो? हैं गिफ्ट करना है? बर्थडे हैं है? है? गिफ्ट है तेरा, बर्थडे दूं तेरे को बर्थडे गिफ्ट। गाइस अभी हम लोग अपनी 911 में एक बहुत ज्यादा क्रेजी चीज करवा रहे हैं जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट उससे पहले ये क्या कर रहे हो इसमें? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों इसमें? फोन चार्ज कर रहे हैं। हैं फोन चार्ज करने का ट्राई कर रहे थे भाई। अरे वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें, तो ये क्या फिर चलावा है ये? फिर इतने पैसे क्यों खर्च किए भाई? गलत बात है, चार्जर नहीं है। बताओ भाई वायरलेस चार्जर चाहिए तो वो ले लो ना, ये हरियर क्रेटा सब में आती है आजकल वायरलेस चार्जर, वो चलाओ ना भाई। गाड़ी बगान अब मेरी वाली में नहीं है, नई वाली में। गलत बात है भाई यार, ये सारे मेरी जान के दुश्मन तो नहीं है कहीं है तुम्हें भाई? मतलब चार्जर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। भाई चार्जिंग के लिए थोड़ा लिए गाड़ी, फिर भी चार्ज ये बंदा चार्ज करती है भाई, ये फोन चार्ज नहीं करती। हम हो गया चार्ज, मैं बता रहा हूँ दोनों को मारूंगा। गाड़ी ये वो है फ्रेशनर है, जब एसी चलता है ना तो एकदम ठंडी है, मतलब फ्रेश हवा आती है। बोल रहे थे नहीं ये खेलने की चीज है, मुझे पता है कौन क्या बोल रहा होगा। मैं जानता हूँ तुम दोनों ना, इन दोनों को मैं इतना अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कौन क्या बातें कर रहा होगा। तो गाइस कुछ थोड़ा सा स्पेशल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ तो लगेगा जो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफिक लगवा रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा एक ग्राफिक होगा। अरे सर आपकी, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग सर? सर मैं एक्चुअली, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, यू नो। सर क्या काम है आपका? ट्रांसपोर्ट। वाओ यार आपका तो ट्रांसपोर्ट में भी वो आ रहा है, एक एसेंट आ रहा है, एक्सेंट एक्सेंट आ रहा है ना आपके। भाई ट्रांसपोर्टर का काम है। आइए आला भाई। भाई ट्रांसपोर्ट में तो बहुत पैसा है यार। चलो भाई अब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार हो रहा है इसमें, जब तुम लोगों को भी बहुत मजा आएगा देख के। वैसे तो कोई भी बोल देगा भाई कि ऐसी गाड़ी देखो रोटी चल रही होगी तो किसकी है, बट अब देख मतलब और भी हैं वैसे रेड कलर है, बट अब ये कंफर्म हो जाता है देखो इसके साथ। देखो गाइस तो दोस्तों देखो, वैसे तो तुम लोग देख के पहचान ही जाते हो कि 911 कलर है, लाल कलर में दिख रही है तो फ्लीट बाइक है, बट अब इसमें हम लोगों ने एक मस्त छोटा सा गेमर फ्लीट भी जुड़वा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है सही बताओ तो। अभी थोड़ा सा बाहर अंधेरा हो चुका है तो देखते हैं, जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा चलते हैं फटाफट से। प्रणव भाई से भी मिलना है हम लोगों ने, मेरा मन था थोड़े रील वील शूट करने का बट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। बट भाई कसम से यार जो काम करके दिया है ना भाई, मैं तो खुश हो गया भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश, मजाक से हट के मेरे को तो बहुत टॉप नॉच लगा। थोड़ा बहुत इधर उधर है बट वही है कि वो एक बार हीट पड़ेगी, गर्मी होगी थोड़ी सी तो सही हो जाएगा एकदम। वैसे तो परफेक्ट लग रही है गाड़ी मेरे हिसाब से, और देखते हैं जो भी होगा जैसे। अबे भाई तब से चल रही है भाई, तेल फ्री का थोड़ा ना आ रहा है, बंद करो यार गाड़ी। तो चलो चलते हैं यार, तुम कुछ कह रहा था क्या? अरे सॉरी। यार वो सब तो ठीक है, इसमें धुआं क्यों निकल रहा है?
यहाँ देखो कहाँ पे, यहाँ धुआं निकल रहा है, वो पानी से निकल रहा है आई होप। थोड़ा ब्रेकिंग का भी है ना। हाँ देखो ब्रेक। तो गाइस हम लोग ये लिटरली 3 दिन बाद चला रहे हैं एंड भाई अपनी सुपर कार है यार, जो मतलब मैं क्या बोलूं यार, जो मजा आता है ना भाई इसको चलाने में, हाय 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 हाय। बस ये थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं फिर इसको टेढ़ी मेढ़ी करके निकालो, बट मेरे को पता है पीछे गाड़ी नहीं है, मैंने देख ली है ठीक है ना, इससे पहले की ये देखो यार रेडी। कौन कह रहा भाई, कौन कह रहा इसमें भाई यार, आई लव दिस कार यार भाई, मतलब क्या बवाल चीज है भाई, मजा आ जाता है भाई। लेकिन अब अंधेरा हो गया, देखते हैं अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल को यही रुक जाऊंगी, 26 जनवरी को निकलना थोड़ा सा अनसेफ भी होगा ना, तो वो देखते हैं जैसे भी होगा जो भी होगा। अभी के लिए चलते हैं प्रणव भाई से मिलते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं जैसे भी प्लान बनेगा। आज तो गाड़ी वापस मिली है भाई, आज तो पूरे मजे करेंगे। और यार वो जो गेमर प्लेट लिखवाया है ना हमने छोटा सा, मेरे को दिल से बताना कमेंट सेक्शन में, तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, मेरे को बहुत प्यारा लगा। थोड़ा वो GT3 RS जैसा करवाया, सेम टू सेम नहीं बहुत डिफरेंट है, बट थोड़ा वैसी सोच के मन में ऐसे करवाया, मजा आ गया। और ये देखो आगे, ये देख रहे हो ये, अरे ये शैतान है शैतान, बताओ क्या। इधर आना रॉनी, ओए इधर आना एक बार, बताओ मेरे को इसमें क्या दिख रहा था रियर व्यू में, क्या तेरे गाड़ी के आगे क्या दिख रहा था मेरे को, क्या जलता हुआ चल रहा है तो ये इसको पता ही भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बट तुम समझ जाओ इसकी गाड़ी की ग्रिल में क्या चल रहा होगा भाई, अब चल रहा है अपने आप चल रहा है और वो लग भी अपने आप गया होगा। चलो बाहर निकलते हैं और मिलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है आगे। क्या लगती है ना यार मेरा तो भाई, मेरा बस चले ना, अरे यार ये मत करो, ये देखो ना, यस स्पॉइलर भी उठा दिया, मजे तो है यार। बादशाह भाई गाड़ी कितने की ली, इसकी बात मत सुनना ठीक है, इसकी बात मत सुनना, अरे यार अभी भी यही है का इसकी बात ना। तो गाइस प्रणव भाई अपनी K-Man लेके आ चुके हैं, कितनी मस्त लग रही है भाई, इस पे होश जमी हुई है और यहाँ पे अपनी करेरा खड़ी हुई है, करेरा एस K-Man चीज बॉयज, मतलब देख रहो क्या क्रेजी भाई। और इसको मैंने जितना हो सकता है इसका फ्रंट एक्सल लिफ्टर से उठा रखा है भाई। क्यूटी कौन हो आप, क्या आप सब्सक्राइबर हो मेरे, थैंक यू। कैसी लग रही गाड़ी, कैसी लग रही है इसने कैसी लग रही है, मस्त है ना, बस भाई का अप्रूवल मिल चुका है हमें। बस भाई क्यूटी, फोटो खींचना है आ जाओ। बाय बाय दोस्त, मिलते हैं अगली बार। भाई बटिया तू मार दे मुझे रॉनी, मार दे भाई साहब, ऐसे गाड़ी बैक करा बिना देखे भाई, ये दोनों गाड़ियां बट साथ में क्या लग रही है भाई, देख रहे हो एकदम डैम भाई क्रेजी। बट ये पूरी GT4 RS लगती है भाई, पूरी GT4, पूरी की पूरी, थोड़ी भी नहीं भाई, क्या मस्त लगती है भाई ये भी। फिर इसकी ये आईज बहुत क्यूट लग रही है, अब स्मोकी आईज अपनी करारा कर्री करारा के काजल लग चुका है दोस्तों अब, क्या मस्त लगे भाई, ये है ना बात यार, दोनों भाई पोर्शे चला रहे हैं मस्त। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब सीधे चलते हैं खान मार्केट, क्योंकि तुम्हें पता है खान मार्केट में कितनी मस्त मस्त सुपर कार जाती हैं और अपनी भी जा ही रही है तो मजा ही आ जाएगा भाई। और अगर कसम से कुछ और भी दिख गई ना मजा आ जाएगा। जी वैगन हमने देख लिया आज, रेंज रोवर स्पोर्ट देख ली, उसके साथ साथ अपनी करारा भी है, अपनी K-Man भी है, और कुछ भी तगड़ा दिख जाए तो मजा आ जाएगा। चलो चले निकले 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 चले, लेट्स गो। चलो दोस्तों चलते हैं अपनी करूरी करेरा में, एक मिनट ये, चलो भाई चलो भाई आ जाओ भाई, हर्षी आ रही है और विनीत दा हमारे साथ भाई, प्रैक्टिकल कार है मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप सच्ची बताओ आपको
बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है क्या? नहीं भाई बिल्कुल नहीं ना। हाँ एक सेकंड फिर, एक सेकंड। और विनीता की हाइट भी बड़ी है, ये देखो भाई ये देखो उल्टे काम देखो अनकंफर्टेबल करने के लिए पीछे को हो रही है सीट देखो। तमीज नाम की चीज नहीं है। चलो अभी पहले हम लोग डलाते तेल, प्रणव भाई आगे आगे चला रहे, हम लोग पीछे पीछे चलते। भाई क्या गाड़ी है यार ये भी, भाई मजा आ जाता है यार। भाई लॉन्च कर देख रहे हो क्या भाई, यार क्या गाड़ी है भाई। करो ना हम भी कर रहे क्या? करो पहले पीछे देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बारी में तो गाड़ी आ ही जाती कहीं ना कहीं से। लेट्स गो, हम भी करते हैं। रेडी हम लोग आ चुके हैं खान मार्केट और यहाँ पर देखो जय श्री राम। चलो भाई यार जय श्री राम, अब चलो लगाते हैं भाई। अब मैं तुम लोगों को बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, चलो एक काम करते हैं गाड़ियां लगाते हैं फिर तुम्हें बताऊंगा एक बहुत मस्त चीज है। नाइस कार भाई, बहुत हवा टाइट हो जाती है बट ऐसे ना लगाने वगाने में ऐसे डर लगता है ना, हल्की सी भी कुछ नहीं होना चाहिए गाड़ी को। मेरे कान देखो लेजिट लाल हो गए डर के मारे, बता के राम राम, क्योंकि वो पहले मैं दिखाता हूँ भाई। यार गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है ठीक है मस्त करके, क्या लग रही है भाई। ये मेरे को जेन्युइनली उन्होंने मतलब जो एडवाइस दी थी ना कि टिंटेड ये लगाओ तो ये अच्छे लग रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा अभी पानी वानी है वो धीरे धीरे जाएगा ऐसा बोला है उनने, और आई होप जाए भी। बट लेट्स गो, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बट गाड़ी भाई यार पहली बार पब्लिक में लगी है और बहुत लंबी है भाई, ये लगता है कि नहीं है बट ये बहुत लंबी गाड़ी है। देखो वहाँ पर अपनी केमेन है, मस्त मज़ा। जो चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहता था वो ये था कि पहली बार हम लोग आए थे जब खान मार्केट में, तो जैसे सबको पता है खान मार्केट दिल्ली में पॉपुलर है कि यहाँ सुपर कार्स आती है वो सब चीज़ें, तो मैं लेजिट भाई ड्रीम करता था, तुम समझ रहे हो, मैं आया था प्रणव भाई की गाड़ी में आया था, मज़ा आता था। और आज भाई लेजिट अपनी गाड़ी से आए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो तुम लोग, अपनी गाड़ी से तो फील तो है। और ये क्या चमक रही है भाई पीपीएफ के बाद, डैम ब्रो जो प्राउड मोमेंट है ना, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, ये फील ही कर सकते हो तुम लोग बस, और जो लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हैं उनको फील होगा। भाई साहब यहाँ पर एक टेकन टर्बो एसबी खड़ी हुई है भाई, क्या दिन है भाई, मजा आ गया यार, क्या लगती है टेकन भी भाई, मजा आता है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि वो इलेक्ट्रिक कार है, बस इतना ही ड्रॉबैक है, वरना गाड़ी तो वो भी मस्त है बहुत। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो प्रणव भाई बता रहे हैं उनका क्लब है जहाँ वो जिम विम करते हैं सब कुछ। यहाँ पर हम लोग कुछ खाए वाए नहीं क्योंकि मतलब रुके नहीं, हम घूमे नहीं टू बी ऑनेस्ट, कार लगाई और उसके बाद थोड़ा बहुत घूम घाम के आगे कि क्या करना है कैसे करना है करके देख लेते हैं, थोड़ा सा घूमे। हमने कहा क्या पता यहाँ और भी गाड़ियां दिख जाए, जैसे वो टाइकन टर्बो एस दिखी, बट कोई अच्छी सी गाड़ी तो नहीं दिखी नेक्स्ट लेवल। भाई वो जी वैगन जा रही है आगे राइट में, वो देखो दिख रही है जी वैगन जा रही है आगे, लेट्स गो। अब बिना बात एक जी वैगन एक के मैन उसके पीछे 911 लेट्स गो। अब लगा मेरे को कि हाँ खान मार्केट आए हम, एक टेकन टर्बो एस देख ली, एक जी वैगन देख ली और एक करेरा और अपनी वो तो है ही भाई के मैन तो है ही, फुल फन भाई फुल फन। गाइस अभी लिटरली इसके इससे ना ब्रेक कैलिपर से इतनी खतरनाक बर्निंग की स्मेल आ रही है ना, क्योंकि बार बार ब्रेक वो सब लग रहे हैं ना, तभी लगाते हैं गाड़ी देखते हैं। पहली बार पहले दे रहा हूँ मैं भैया आराम से। हाँ ये बहुत क्रेजी लगती है यार बाहर से, मतलब आप चला रहे हो चलाने में तो इनसेन है। अच्छा ये रिवर्स लाइट भी है इसमें भाई, बट ये बाहर से बहुत इनसेन लगती है कार यार, क्या लग रही है देख रहे हो, एकदम मस्त भाई भाई। और बहुत लंबी है भाई ये, बहुत ज्यादा लंबी है बट जेन्युइन भाई देखने की। और ये देखो आप, ये गेमर फ्लीट अलग से है भाई, आगे दूर से बंदे को पता चल जाए किसकी गाड़ी है, बट नेक्स्ट लेवल भाई वाओ। यहाँ पर हम खा रहे दही बल्ला और प्लेटर, बट
तो भरवा और ये दही कुछ तो था, मैं भूल गया। दही के शोले, शोले झूठ मत बोल, यही था। ये आदमी तो चार हैं, एक लड़की है। तो गाइस अभी हम लोगों ने डेजर्ट मंगाई है, ये लेमन टार्ट, बट मेरे को फनी क्या लगा, ये टेबल मतलब ये सॉरी प्लेट, ये ऐसे लग रहा थर्माकोल है देखना। ये पनीर है, हाँ जी ये पनीर है, इसके ऊपर क्रीम है मेरे भाई, क्रीम है, क्रीम है ना वो डेजर्ट है, क्रीम है। अभी ये थर्माकोल है भाई, रुक जा खा के बता दो। कुछ तो शुगरी है जो मुंह में मेल्ट हो रहा है, बट अच्छा है। ये बंदा एक ही बारे में पूरा खा जाएगा, देखो आप मौत का खेल। ये देखो कितनी क्रेजी लग रही है दोनों गाड़ियां भाई साथ में। तो गाइस कल को है 26 जनवरी, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा होटल रूम जाके सोते हैं, खाना पीना हो गया। कसम से बताए गाड़ी रात के 12 कितने बज रहे हैं, अभी 12 बजने वाले ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गाड़ी रात के 12 बजे दिल्ली की सड़कों में निकालना भाई, जो मजा है ना इस चीज का वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। और कल को लेकिन हम लोगों को कैसे भी कल को हम लोगों को टाइम पे उठना है, क्योंकि कल को है 26 जनवरी की एक बहुत ज्यादा खतरनाक राइड। तो हम लोगों ने अभी जस्ट गाड़ी ली और हमारी किस्मत है भाई कि हम लोग एक सुपर कार राइड पे जाने वाले, जहाँ पे टर्बो एस और फरारी लैम्बोर्गिनी हुरागान ईवो पता नहीं क्या क्या आने वाला है, का दिन बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो अभी चलते हैं फटाफट से और जाके आराम करते हैं, अभी तो खैर दिल्ली की खाली सड़कों का मजा लेते हैं थोड़ा। यार ये ऐसे ब्रेकर आ जाते ना फिर दिक्कत है, बट भाई सच्ची में दिल्ली में खाली सड़कें मिल जाए क्या मजा आता है, एकदम स्मूथ सड़कें, क्रेजी एकदम मक्खन सड़कें, थोड़ा सा फिर ब्रेकर आते बीच में, और फिर आगे तुम्हारे एक केविन चल रही है और तुम खुद एक 911 करेरा एस में बैठे हुए हो, वो खींचे जा रहे हैं तो हम पीछे है क्या। भाई इसका इंजन बहुत नेक्स्ट लेवल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, 450 हॉर्स पावर ये नॉर्मल बनाता है। भाई मेरे को बताना अगर तुम लोग एक वीडियो चाहते हो अंशुवर्ष पे, जहाँ पर मैं ड्रिफ्टिंग सीखूं भाई अपनी सुपर कार से, अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो जिसमें मेरा बहुत ज्यादा खर्चा आएगा सही बताऊं तो, बट अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो मेरे को बताना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अब और फिर सॉरी और फिर मैं सो गया।